नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम नरौली आजमगढ़, जिसके प्रोप्राइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 94-15-20-77-28। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां फरवरी माह में 75 जनपदों की रैंकिंग में अंबेडकर नगर जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री के शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों को 37 बिंदुओं के 35 विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में उपलब्धि के आधार पर यह रैंक मिला। जनपद अंबेडकर नगर में लागू 58 कार्यक्रमों में से समस्त 58 कार्यक्रमों में ई रैंक मिला है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा जनपद के पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अंबेडकर नगर जनपद को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान आने का श्रेय जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन एवं समस्त विभागीय अधिकारियों की टीम भावना एवं समन्वयक प्रयास को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों की सील सफाई, नहरों के टेल तक पानी पहुंचाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, निराश्रित गोवंश संरक्षण, पशुओं का टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना, अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, सामूहिक विवाह योजना के साथ अन्य जैसे योजनाओं एवं कार्यक्रमों में जनपद की प्रगति उत्कृष्ट रही है। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दर्वन झील को पर्यटन स्थल एवं पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसका उद्देश्य 500 बीघा से अधिक में फैले झील का सुंदरीकरण कर पर्यटन के रूप में विकसित करना है। विकासखंड टांडा के अंतर्गत ग्राम सभा उत्तर में लगभग 24 हेक्टेयर का तालाब स्थित है। इसमें पूरे वर्ष जल भरा रहता है। पर्यटन दृष्टि से पक्षी अभयारण्य आर्थिक दृष्टिकोण से मत्स्य पालन के रूप में विकसित की जाने की योजना है। जिलाधिकारी ने बताया कि 25 मार्च 2023 को सरकार की इच्छा पूर्ण होने पर राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लाइव प्रसारण जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। झील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर समय इसमें पानी भरा रहता है, कभी भी यह सूखती नहीं है। इसको भी हम लोगों ने पूरी तरह से इसको चारों तरफ मनरेगा के माध्यम से बंधा बनाते हुए और वहाँ पर स्टीमर और जो बोट हैं उनको वहाँ पर ले जाकर कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पैटर्न के लोग यहाँ पर आएँ, अम्बेडकर नगर के जो सम्मानित निवासी हैं वो आएँ, उनको यहाँ पर पूरा जो नौकायन का पूरा वो आनंद उठा सकें। और इसके साथ वहाँ पर एक रेस्टोरेंट और कैफ़े की भी खोलने की योजना है, जिससे कि अगर वहाँ पर कोई लोग जाते हैं और उनको कुछ ज़रूरत होती है चाय नाश्ते की, उसको भी पूरी तरह से वहाँ पर इंजॉय कर सकें। कहने का आशय यह है कि जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन जो एक विकास की योजनाओं पे पूरी तरह से काम कर रहा है, वहीं तरह दूसरी तरफ जो जनपद अम्बेडकर नगर को पैटर्न के मानचित्र में लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है, जिससे कि जो हमारे क्षेत्र में इधर शिव बाबा भी है, सवरधाम भी है, इनको भी हम लोग डेवलप करने के लिए एक SOP बना रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में आप पाएंगे कि जो अंबेडकर नगर जनपद है, जो विकास के जो मैप में जो सबसे आगे आपको दिखेगा, वहीं दूसरी तरफ पैटर्न के मानचित्र में भी यहाँ पर अनेक ऐसे पैटर्न स्थल होंगे जहाँ पर लोग बाहर से आकर यहाँ पर जो पैटर्न से जुड़ी अपनी ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा कर सकेंगे। आज इस जनपद में कार्यभार ग्रहण किए हुए मुझे 1 माह पूरा हो चुका है और उसी के संदर्भ में अपने समस्त पत्रकार साथियों के बीच में मैं उनसे वार्ता करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। आज कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई माह फरवरी की जो 75 जनपदों की रैंकिंग में अंबेडकर नगर जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों के 37 बिंदुओं के 35 विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में उपलब्धि के आधार पर यह रैंक निर्धारित की जाती है। जनपद अंबेडकर नगर में लागू 58 कार्यक्रमों में से समस्त 58 कार्यक्रमों में ये रैंक मिली हुई है और इसका जो श्रेय मुख्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी श्री अनुराज जैन जी और उनकी समस्त जो टीम है उसको जाता है। और इन लोगों ने एक अथक परिश्रम करके आज जनपद अंबेडकर नगर को इस मुकाम तक पहुँचाया है। आज इस मौके पर मैंने अपनी पूरी टीम को ये अपेक्षा भी की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो समस्त जनोन्मुखी कल्याणकारी विकास परक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको शासन की मंशा के अनुरूप भविष्य में और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने करते हुए और भी जनपद को और ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। इसके साथ ही इस जनपद को जो हम लोग चाहते हैं कि पैटर्न के मानचित्र पर इसको अंकित किया जाए।